नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे चने की दाल की सब्जी। ये चना का दाल है, ये हमने 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे, 4 से 5 हरी मिर्ची डाल देंगे, और ये लहसुन की कुछ कलियां हैं 4-5, इसे भी डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए चना का दाल हमने पीस लिया है, ये ज्यादा महीन नहीं पीसा है, हल्का दरदरा है, आपको भी ऐसे ही पीस लेना है। ये एक प्याज है, बहुत बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देंगे हम। और ये 2 हरी मिर्च है, इसे हम डाल देंगे थोड़ा तीखापन के लिए। पहले हमने डाला है 4 मिर्ची, 2 और मैंने डाल दिया। हल्दी डाल देंगे थोड़ी सी, जीरा पाउडर डाल देंगे, ये मीठा सोडा है थोड़ा सा, इसे डाल देंगे हम। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। अब इसमें हम 4 चम्मच दही डाल देंगे, इससे हमारे पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने इसे फेंट लिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ता भी डाल लेंगे और फिर से अच्छे से इसे मिला लेंगे। आप जितना इसको फेंटेंगे उतना ही अच्छे पकौड़े बनेंगे। कढ़ाई हमने रख दिया है, उसमें ऑयल डाल करके, ऑयल गर्म हो रहा है, गर्म हो चुका है। अब इसका हम ऐसे गोल गोल करके पकौड़े छान लेंगे, और आप इसके कोई भी शेप दे सकते हैं, हमने ये गोल बनाया है। पकौड़े हम तल लेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, नहीं तो जल जाता है, ऐसे अच्छे से पकेगा ये। ये देखिए इसे पलट देंगे आप। इस तरीके से सारे पकौड़े छान लेना है। आप इसे बड़ा पकौड़ा छान सकते हैं, छोटा, आप जो भी शेप देना चाहे वो दे सकते हैं। ये हो चुका है, इसे हम ज्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि सब्जी में ये डलेगा तो पक जाएगा। निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमें सारे पकौड़े तल के निकाल लेने हैं, बाकी के भी हम सब फ्राई कर लेते हैं। पकौड़े हमारे फ्राई हो रहा है एक तरफ, तब तक हम ये टमाटर को थोड़ा सा बॉईल करेंगे। इसे हम ऐसे कट लगा देंगे और इसे बॉईल के लिए रख देंगे, इसे ग्रेवी में हम यूज करेंगे। देखिए हमने सारे पकौड़े छान लिए हैं, उसी तेल में हम अब सब्जी बनाएंगे। डाल देंगे फिर जीरा डाल देंगे, और ये 2 लौंग है, दालचीनी है, और ये छोटी इलायची है 2, इसे भी हम डाल देंगे। इसमें हम प्याज डाल देंगे, 2 कटा हुआ प्याज है, बहुत बारीक काटे हैं, इसे हम डाल देंगे। इसे हम चला लेंगे हल्का ब्राउन तक, इसे हम भूनेंगे। देखिए टमाटर हमने जो बॉईल किया था, इसे हम इस तरीके से इसके छिलके निकाल लेंगे और इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। प्याज भून गया है, ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच। इसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर इसे भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अच्छे से मसाला हमारा भून गया है, ये अदरक और लहसुन का। अब इसमें हम ये टमाटर प्यूरी डाल देंगे और मसाले भी डाल देंगे। सारे मसाले हम डालेंगे इसमें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे 1 चम्मच, नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, मिर्ची पाउडर हम डालेंगे थोड़ा सा, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतना डालिएगा,
हमने पकौड़ों में भी मिर्ची डाला है इसलिए हम कम मिर्ची डालेंगे। ये हाफ चम्मच जीरा पाउडर है, इसे भी हम डालेंगे। अब मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे, देख कर अच्छे से हम भूनेंगे, पक जाए मसाले अच्छे से, कच्चापन नहीं रहना चाहिए सब्जी में। मसाला जितना भूनता है उतनी सब्जी टेस्टी बनती है। मसाले को चलाते रहे हमेशा, ऐसे नीचे लग जाता है, अगर जल जाएगा तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है। ये देखिए ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है, मसाला जब तक भूनिए तब तक ऑयल ना छोड़े तो सब्जी अच्छी बनती है। हमें चलाते रहना है हमेशा, मसाला लगे नहीं नीचे। इसमें हम दही भी डालेंगे, 4 चम्मच दही डाल देंगे, इसे और अच्छा टेस्ट आएगा। मसाले देखिए अच्छे से भून गए हैं, तेल छोड़ दिया है। इसमें हम पानी डालेंगे। अब चने का दाल जिसमें हमने पीस के रखा था उसमें हमने ये पानी लिया है ताकि ये वेस्ट ना हो, और ये सब्जी में डाल देंगे हम। देखिए पानी हमने डाल दिया है ग्रेवी के लिए। अब इसमें हम एक उबाल आने देंगे, तब तक हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। मसालों में बॉयल आ चुका है, अब इसमें हम पकौड़े ऐड कर देंगे। इस तरीके से सारे पकौड़े डाल देने हैं। अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं है, चने की दाल पड़ी है, तो आप ऐसे सब्जी बना करके खा सकते हैं। इसे हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। सब्जी बन चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। लास्ट में हम धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। ये देखिए सब्जी हमारी बनके एकदम से रेडी है खाने के लिए। आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर घर में कोई सब्जी नहीं है, चने की दाल पड़ी है, तो आप सब्जी बना सकते हैं। ये सरसों डाल के भी सब्जी बनता है। अगर आप कमेंट में बताएंगे कि आपको सीखनी है या देखनी है, तो मैं वो जरूर डालूंगी सब्जी। और ऐसा जरूर बनाइए और खाइए, और फिर बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।